सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत मटिहानी के गुलरिया विद्यालय में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मटिहानी ग्राम पंचायत के सरपंच माधुरी सिंह, पति सुनील देव सिंह राजन के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया। मोतियाबिंद के 27 मरीजों को चिन्हित कर चित्रकूट ऑपरेशन के लिए भेजा गया। डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि सभी मरीजों को निःशुल्क चित्रकूट ले जाया जाएगा एवं उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जाएगी तथा वह निःशुल्क होगा तथा लेंस प्रत्यारोपण चश्मा भी निःशुल्क दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए जो हमारे माननीय सरपंच साहब हैं इनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा, जिनके माध्यम से आज 150 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर 27 लोगों को मोतियाबिंद के लिए चिन्हित किया गया है, जिन्हें निःशुल्क में चित्रकूट जानकी कुंड हॉस्पिटल चित्रकूट ले जाकर 2 दिन बाद 3 दिन बाद यहीं पर छोड़ा जाएगा। आने जाने की, रहने खाने की, यहां तक कि जो भी इन लोगों की आंखों में लेंस पड़ेगा वो भी निःशुल्क में ऑपरेशन किया जाएगा। आज गुलरिया माध्यमिक विद्यालय में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 150 मरीज को पंजीयन किया गया और 27 मरीजों का चयन मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए किया गया है। इनको चित्रकूट भेजा जाएगा, इनका नेत्र वहाँ प्रत्यारोपण किया जाएगा, सभी सुविधाएं कुल निःशुल्क है। क्या भूमिका, क्या कहेंगे? ये तो सबसे बड़ी भूमिका हमारे डॉक्टर साहब और चित्रकूट के जो संस्था है, नेत्र चिकित्सालय की जो संस्था है, सबसे बड़ी भूमिका उनके, हमारा, हम लोगों का तो सहयोग करना एक धर्म है, हम लोग तो सहयोग बराबर करते रहते हैं। और हमारी इच्छा थी कि हमारे ग्राम पंचायत के इर्द गिर्द के जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको निःशुल्क नेत्र शिविर लगवा कर उनका इलाज करवाया जाए, इसलिए हम आज हम सब लोग एकत्रित होकर और नेत्र शिविर का बहुत अच्छा यहाँ 27 लोगों का चिन्हित किया गया है, जो चित्रकूट नेत्र चिकित्सालय ले जाया जा रहा है।